नमस्कार दोस्तों, बी आर हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम आपसे जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है त्वचा से उम्र का प्रभाव कम करना, चेहरे से झुर्रियों को कम करने का तरीका। उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं, जिससे त्वचा बेजान लगने लगती है। हम आज आपको एक ऐसा जापानी नुस्खा बताने जा रहे हैं जिससे आपके चेहरे की झुर्रियां भी कम होंगी और आपकी त्वचा सुंदर और स्वच्छ दिखेगी। ये चावल से बनने वाला एक नुस्खा है, क्योंकि चावल में विटामिन बी होता है जो आपके चेहरे की कोशिकाओं को स्ट्रांग करेगा और आपके चेहरे का जो ब्लड सर्कुलेशन है या रक्त संचार जिसे हम कहते हैं उसे भी बढ़ाएगा। इन दोनों चीजों से त्वचा जवान और झुर्रियों से मुक्त होने लगती है। इसके लिए आपको पहले चावल को भिगो के रखना है, उसके बाद आप पानी को ज्यादा रख के चावल को अच्छे से पका लें। जब चावल अच्छी तरह से पक जाए तो आप उस पानी को निकाल के चावल उससे अलग कर लें। इस पानी को भी आप एक बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे आप अपना चेहरा धो सकते हैं। अब आप पके हुए चावलों में थोड़ा सा दूध मिला के इसे अच्छे से मसल के एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लें। अब आप इस पेस्ट में एक चम्मच भर के शहद मिला लीजिए और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। अब जब ये अच्छा से ठंडा होने लगेगा, तब ठंडा होने पर आप इसे अपने पूरे चेहरे पर अच्छे से लगा लीजिए और इसे आधे घंटे के लिए या फिर 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब ये आधा घंटा पूरा हो जाए तब आप इसको उतार लीजिए और चावल का जो पानी आपने स्टोर किया है उससे आप अपना चेहरा अच्छे से धो लीजिए। ऐसा आप रेगुलर करें। ऐसा करने से आपके चेहरे की झुर्रियां कम होंगी, उसमें सुधार आने लगेगा। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।